बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हसन एंड हुसैन किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी केक। आज मैं कॉफ़ी केक विदाउट ओवन बना रही हूँ, इसलिए डिच की भी मैंने डाल दिया नमक और चूल्हा इसका मैंने ऑन कर दिया। जब तक हम अपना केक का बैटर तैयार करेंगे हमारी डिश की प्री हीट हो जाएगी। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम डालते हैं मैंने लिए हैं 3 अंडे, जिन्हें मैंने बाउल के अंदर डाल दिए। अब हम इसे कर लेंगे बीट। अंडों को हमने क्लॉक वाइज घुमा लिया और इसे इतना बीट करना है कि ये साइज में डबल हो जाए। अंडे अब कर लिए हमने बीट, इसे रख देंगे हम साइड पर। आधा कप हमने लिया है दूध, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून विनीगर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। 1 टेबलस्पून हम लेंगे कॉफ़ी और इसके अंदर 2 टेबलस्पून गर्म पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। मैंने लिया 1.5 कप मैदा और इसे छान लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे चुटकी भर नमक। 1/3 कप हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब अंडों के अंदर हम डाल देंगे 1/3 कप ऑयल और इसे भी बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप शुगर पाउडर, अब इसे भी हम बीट कर लेंगे। डाल देंगे जो हमने दूध के अंदर सिरका मिला के रखा था। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही और इसे भी अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके मैदा। बाकी का मैदा भी हमने डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे, अगर इसी तरह से चला दिया तो हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप गर्म पानी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कॉफ़ी। सबसे एंड में इसके अंदर हम डाल देंगे वेनिला एसेंस। और इसे अच्छी तरह से कट और फोल्ड करके सांचे में डाल देंगे। सांचे को मैंने पहले ही ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा दिया था। अब ये अच्छी तरह से मिक्स करके हम डाल देंगे इसे सांचे के अंदर। अब इस बैटर को हम डाल देंगे सांचे के अंदर। अब हम एक स्टिक से इसकी एयर को निकाल देंगे और थोड़ा सा कर देंगे बाद में इसे टैप। देश की हमारी प्री हीट हो गई है और हमने इसके अंदर एक स्टैंड भी लगा दी है। अब हम केक रख देंगे इसके अंदर और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाते हैं। अब हमारा केक हो गया तैयार। इसके अंदर हम डाल के देखेंगे कि स्टिक हमारी आ रही है बिल्कुल साफ। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर हम डालते हैं क्रीम। क्रीम हमारी
हमारी बीट हो गई है, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर पाउडर और इसे फिर बीट करेंगे। अब हमारी क्रीम बीट हो गई है, अब इसे हम बर्फ के ऊपर ही रहने देंगे। केक हो गया ठंडा, इसको हम निकाल देंगे। उसका उतार देंगे हम बटर पेपर, इसको हम थोड़ा सा काट देंगे ऊपर से। अब हम इसे काट देंगे बीच में से, इसके अंदर हम डाल देंगे मैंगो जूस, जो जूस हमने डाला है केक के अंदर ये थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी। जब ये जूस इसके अंदर जज्ब हो जाएगा उतनी देर तक मैं अपना चॉकलेट गनाश तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले सॉस पैन में डाल देंगे हम 1 कप दूध, इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप डार्क चॉकलेट। इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून मक्खन और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार है, इसको बस हमने इतना ही रखना है, ये ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगी। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कर लेंगे ठंडा। अब हम कर लेते हैं केक की ड्रेसिंग। केक जाली के नीचे हम रख देंगे एक प्याली, इसके ऊपर हम डाल देंगे क्रीम, और इसको हम हल्का हल्का घुमाएंगे इस तरह से। इस साइड पर मैंने लगा दी है क्रीम, इसको मैं कर दूंगी साइड पर। आपका दूसरा जो पीस है उसके ऊपर लगा दूंगी मैं थोड़ी सी क्रीम, दूसरी साइड पर भी हम लगा देंगे। केक को रख देंगे इसके ऊपर। अब रखते हैं हम इसके अंदर एक गोल सांचा, ग्लास डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम अखरोट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में से शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह। अब हमारा कॉफ़ी केक बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।